कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने आज मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए रियासत के वजीर आला केसीआर पर कड़ी तनकीद की और इल्जाम आयद करते हुए कहा कि 2,00,000 करोड़ रुपयों की लागत से शुरू होने वाला कालेश्वरम प्रोजेक्ट अभी तक पायाए तकमील को नहीं पहुंचा है। तो वहीं दूसरी जानिब आरटीसी मुलाजिमीन की मुश्किलात को भी पसे पुश्त डाल दिया गया है। उन्होंने सवाल किया, क्या यही तरक्की का दावा है? हरीश राव और कविता की कामयाबी के बाद यूनियन पाई जाती थी, तब वजीर आला ने यूनियन को बर्खास्त करने की बात नहीं की और आज अवाम को गुमराह करते हुए आरटीसी को खान जाने की कोशिशें की जा रही हैं। पिछले इलेक्शन में अवाम ने कविता को करारी शिकस्त से दोचार करते हुए यह पैगाम देने की कोशिश की थी कि रियासत तेलंगाना में डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। रियासत के वजीर आला को इस बात का ख्याल रखने की अशद जरूरत है।